उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन लोगों पर निशाना साधा है जिन्हें वंदे मातरम गाने से आपत्ति है। गुरुवार को एक किताब के विमोचन कार्यक्रम पर पहुंचे उपराष्ट्रपति ने वंदे मातरम को लेकर आपत्ति जताने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वंदे मातरम नहीं गाओगे तो क्या अफजल गुरु को सलाम करोगे। संस्कृति जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं ना, कुछ लोग कुछ आपत्ति भी होता है कभी कभी। नेशनलिज्म क्या है, पेट्रियाटिज्म क्या है, आप हमको सिखाते हैं क्या पेट्रियाटिज्म। अरे भाई माँ, वंदे मातरम के बारे में विवाद होता है। वंदे मातरम माने माँ तुझे सलाम, क्या समस्या है? माँ को सलाम नहीं करे तो किसको सलाम करेंगे? अफजल गुरु को करेंगे क्या? वंदे वंदे मातरम, माँ तुझे वंदना, अम्मा नमस्कारम इन माय लैंग्वेज, सैल्यूटेशन टू मदर, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। उपराष्ट्रपति ने भारत माता की जय बोलने को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि भारत माता की जय किसी भगवान के बारे में नहीं है, बल्कि ये जाति, रंग, पंथ या मजहब से इतर देश में रह रहे 125 करोड़ लोगों के बारे में है। What is भारत माता की जय? I want to tell people who are also sometimes are very over into भारत माता की जय means not this photo, not this केवल the geographical people who are living in the entire Bharatavarsha, 130 crore people, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, we are all Indians, we are Bharatiyas. Un sab logon ka uttan, un sab logon ka bhala, usme Mahatma ji ne kaha, Ambedkar ji ne kaha, hamare rishiyon ne kaha, Pandit Dindal Upadhyay ne kaha, antyodaya antim pankti mein jo baithe, ye meeting mein nahi, normal. Unka uttan, उनका पहला उत्थान होना चाहिए, अपलिफ्टिंग द सप्रेस्ड, अप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, दैट इज आवर फिलॉसफी, दिस इज व्हाट स्वामी विवेकानंद हैज सेड, दिस इज व्हाट आवर फोर फादर्स हैव सेड, दैट इज द प्रैक्टिस इन इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर ट्राइंग टू गिव अ नैरो मीनिंग एंड सम पीपल आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड देन अटैक नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति, ये क्या कुछ लोगों का इनका प्रॉपर्टी है क्या, इनको जीपीए दिया है क्या, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। हिंदुत्व को लेकर वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुत्व भारत की संस्कृति और परंपरा है जो कई पीढ़ियों से गुजरा है। नायडू ने कहा कि उपासना के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जीवन जीने का एक ही तरीका है और वो है हिंदुत्व। उन्होंने आगे कहा कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम सिखाती है, जिसका अर्थ होता है कि सारा विश्व एक परिवार है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।